नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में आवारा घूम रहे कुत्तों के बधियाकरण की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। लंबे समय से शहर में आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटा जा रहा था, जिससे लगातार इनके नियंत्रण की मांग उठाई जा रही थी। अब नगर निगम ने इनके लिए जबलपुर की संस्था को जिम्मेदारी सौंपी है, जो चिरहुला मोहल्ले में एनिमल केयर सेंटर खोलेगी। इसके बदले 18 लाख रुपए संस्था को नगर निगम की ओर से भुगतान किया जाएगा। इस राशि के बदले वह शहर के 1000 कुत्तों को पकड़कर उनका बधियाकरण करेगा और रेबीज के इंजेक्शन भी लगवाएगा। इस तरह से प्रति कुत्ते के बधियाकरण पर संस्था को 1800 रुपए का भुगतान किया जाएगा। वार्ड 44 में तैयार किए गए बधियाकरण सेंटर का निरीक्षण करने महापौर अजय मिश्रा बाबा पहुंचे। यहां मौजूद चिकित्सकों की टीम से बधियाकरण और रेबीज टीकाकरण के संबंध में जानकारी भी ली। इसके अलावा कुत्तों को रखने के लिए तैयार किए गए स्थान का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, गुलाम अहमद, स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी कुमार, वेटरनरी चिकित्सक डॉक्टर गोपाल पटेल, डॉक्टर सागर सिंह, डॉक्टर रोहित सिंह आदि मौजूद रहे। सेंटर बनाया गया, ये एक टेंडर हम लोगों ने कराया था, एनिमल केयर फाउंडेशन करके एक संस्था ने लिया था, जबलपुर की है ये। और इसका हम लोगों का मूल उद्देश्य ये था कि रीवा में बड़ी शिकायतें आ रही थी कि स्ट्रीट डॉग के कारण बच्चों को काट रहे हैं, मोहल्ले के लोग परेशान हो रहे हैं, गली चलना मुश्किल हो गया है, आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं और उनकी जनरेशन पैदा हो रही है। तो 18 लाख की एक टेंडर था, उसकी जगह नहीं मिल रही थी। बड़े मुश्किल से प्रयास में वेटरनरी हॉस्पिटल जो पुराना था वहाँ पर जगह मिली है, उसमें हम लोगों ने बनवाया है। वहाँ को जो डॉक्टर हैं उसमें एक हैं डॉक्टर गोपाल पटेल, डॉक्टर सागर सिंह और डॉक्टर रोहित सिंह, ये वहाँ रहेंगे। 1000 कुत्तों की का बधियाकरण होगा और उनको रखने की व्यवस्था वहाँ बनाई गई है। 4-5 दिन रखा जाएगा जब तक उनकी ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो और वैक्सीनेशन कराया जाएगा उनका। ये सारी चीज़ें हैं, इससे मोहल्ले में जो आवारा कुत्ते हैं उनसे मोहल्ला के लोगों को बहुत राहतें मिलेंगी। करीब कितने कुत्तों का लक्ष्य बताया गया? 1000 का है, 18 लाख का है ये, और ये 1000 कुत्ते का अपना उद्देश्य है। ये अपना टीम रहेगी पकड़ने के लिए? हाँ, वो पूरी उनकी टीम रहेगी, उनकी गाड़ी रहेगी। एनिमल करके केयर करके फाउंडेशन है कोई, एनिमल केयर फाउंडेशन करके है कोई, जबलपुर उसको टेंडर मिला है ये। और उनकी गाड़ी रहेगी, जाल रहेगा, उनके आदमी रहेंगे, सवेरे टाइम पकड़ेंगे, फिर उसको ऑपरेट करके उसको फिर वापस छोड़ेंगे।